लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के टॉपिक पे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समन को लेके। और यहाँ पे जिस समन का बात होगा वो होगा जो समन इशू होता है डिफेंडेंट को, ठीक है, क्योंकि एक समन वो भी होता है जो विटनेस को इश्यू होता है, और जो विटनेस को समन इशू होता है उसको लेके जो प्रोविजन है वो है ऑर्डर 16 में, लेकिन आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 5 पे। क्लियर है? तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समन के सब्सटैंटिव प्रोविजन पे। अब समन से रिलेटेड जो सब्सटैंटिव प्रोविजन है वो क्या क्या है, तो पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग पे। देखिए समन का क्या मतलब होता है पहले ये समझिए। तो सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है बात कि समन को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है सीपीसी में, क्लियर है, लेकिन समन का जो लिटरली मतलब क्या होता है कि वो एक प्रकार का नोटिस होता है, ठीक है। अब यहां एक प्रकार का लीगल नोटिस है समन, तो समन जो एक प्रकार का लीगल नोटिस कह लीजिए या फिर अथॉरिटेटिव कॉल कह लीजिए। अथॉरिटेटिव कॉल मतलब कि वह कॉल जो अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है वह भी समन कहलाता है, ठीक है। तो समन इश्यू होता है तो समन जो इश्यू जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति को यह कहा जाता है, नोटिस लीगल नोटिस है तो उसको क्या कहा जाता है उस नोटिस के माध्यम से कि आपको कब उपस्थित होना है, कहां उपस्थित होना है, किस लिए उपस्थित होना है और कैसे उपस्थित होना है, ये सभी बातें उस लीगल नोटिस में होती है जिसे हम लोग जो नाम देते हैं समन नाम दे देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया मीनिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समन में किन किन बातों का जिक्र होता है, दैट मीन्स कि समन के कंटेंट के बारे में हम लोग अब जानते हैं। देखिए समन में जिन जिन बातों का जिक्र होगा वो क्या है, तो सबसे पहला कि समन जो इश्यू हुआ है उसका पर्पस क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा कि समन जो इश्यू हुआ है वो क्यों इश्यू हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स क्या जो विवाद है उसको सेटल आउट करने के लिए, दैट मीन्स कि जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को रिकॉर्ड करने के लिए, कि यह पता लगाने के लिए कि क्या क्या पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है इसलिए समन इश्यू हो रहा है डिफेंडेंट को, या फिर जो समन इश्यू हो रहा है वो क्या सूट के फाइनल डिस्पोजल के लिए है। तो ये सभी बातें समन के में होती है, क्लियर समझ में आ रहा है। और तो और समन में इस बात का भी जिक्र होता है कि जो जिस व्यक्ति को समन इश्यू हो रहा है, दैट मीन्स समन यहां इश्यू किसको होता है ऑर्डर 5 के द्वारा, तो डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट को जो अपेयर होना है कोर्ट में, ठीक है, कैसे होना है, सशरीर दैट मीन्स इन पर्सन अपेयर होना है या कि अपने प्लीडर के माध्यम से होना है, ठीक है। तो ये सभी बातों का जिक्र होता है समन में। तो हम लोग कंटेंट भी समझे, मीनिंग भी समझे, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समन का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या है। देखिए समन का जब हम लोग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में आते हैं तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है कि समन जो है वो उसमें अटैच होना आवश्यक है प्लेंट का कॉपी, पहला प्लेंट का कॉपी अटैच होना आवश्यक है, ठीक है। दूसरा कि समन पे जिस कोर्ट के द्वारा समन इश्यू हो रहा है उस कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है दैट मीन्स जज के द्वारा उस समन पे साइन होना आवश्यक है, या फिर किसी अन्य ऑफिसर का अगर अपॉइंटमेंट हुआ है कोर्ट के द्वारा तो फिर उस ऑफिसर का साइन होना आवश्यक है, क्लियर है। तो ये सभी जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, समझ में आ गया समन का। और जो एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है समन का वो क्या है कि समन पे कोर्ट का मुहर लगना आवश्यक है, दैट मीन्स समन मस्ट बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट, क्लियर समझ में आ गया। तो आप ये भी समझो कि समन इश्यू होने का स्टेज कब आता है, ये जानना जरूरी है कि आखिर समन कब इश्यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दो पार्टी के बीच में विवाद हुआ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ वह जो प्लेंट इंस्टीट्यूट करेगा दैट मीन जिसको रिलीफ चाहिए जिसका राइट इंफ्रिंज हुआ है, और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा दैट मीन जिससे वो रिलीफ मांग रहा है। तो यहां पे जैस प्लेंटिफ जो है अपना सूट प्लेंट प्रेजेंट करेगा तो प्लेट प्रेजेंट होगा तो सूट इंस्टीट्यूट होगा, तो सूट जैसे इंस्टीट्यूट होगा आगे जानेंगे हम लोग रूल 1 को समझेंगे ऑर्डर 5 का, उसमें यही बात कहा गया है कि जैसे समन कब इश्यू होता है जब प्लेट जो माफ कीजिएगा जब सूट इंस्टीट्यूट होता है, दैट मीन जब सूट इंस्टीट्यूट होगा उसके बाद ही समन इश्यू होता है, आगे हम जानेंगे जब हम लोग प्रोसीड्यूरल प्रोविजन पाएंगे, क्लियर। अभी हम लोग एसेंशियल्स पे बात किए और एसेंशियल्स को समझे, अपवाद देखिए दैट मीन्स कि समन आखिर इश्यू होता क्यों है डिफेंडेंट को, पहले ये समझिए।
समन डिफेंडेंट को इसलिए होता है इश्यू ताकि वो अपना डिफेंस ले सके, है ना, और वो कोर्ट में उपस्थित हो सके, ठीक है, क्योंकि डिफेंस कैसे लेगा, उसको कोर्ट में उपस्थित होना होगा या फिर वो अपने बिहाफ पे इंपावर करेगा प्लीडर को, दो ही तरीका है। तो यहां पे अपवाद का जो बात उठ रहा है वो यह है कि कब डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल, दैट मीन्स कि समन डिफेंडेंट को इश्यू होगा ही नहीं, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, यहां अपवाद का क्या मतलब आ रहा है कि कब समन डिफेंडेंट को इश्यू होना आवश्यक नहीं है, क्लियर है, अपवाद का यहां यही सेंस है। तो यह तब होगा जब प्लेंटिफ अपना प्रेजेंट कर रहा होगा प्लेंट, ठीक है, उस वक्त ही अगर डिफेंडेंट अपेयर है कोर्ट में, जिस कोर्ट में प्लेंटिफ प्लेंट प्रेजेंट कर रहा है उस वक्त ही डिफेंडेंट कोर्ट में उपस्थित है और वह प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लेता है, तो ऐसे परिस्थिति में समन इश्यू नहीं होता है डिफेंडेंट को कोर्ट के द्वारा, क्लियर समझ में आ गया अपवाद का सेंस। अब आते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोविजन पे। दोस्तों प्रोसीड्यूरल प्रोविजन पे आने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को समझिए समन्स को लेके, सब्सटैंटिव प्रोविजन जो है सेक्शन 27, ठीक है, सेक्शन 27 हमको यह बताता है कि समन कब इश्यू होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो समन कब इश्यू होगा, जब सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाएगा, दैट मीन्स कि आफ्टर द इंस्टीट्यूट, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ऑफ द सूट, सूट इंस्टीट्यूट होगा, जैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा उसके बाद ही समन इश्यू होता है। तो सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिर सूट इंस्टीट्यूट होता कैसे है, तो सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, इसके लिए हमको देखना होगा सेक्शन 26, ठीक है। 26 के अकॉर्डिंग जो सम जो सूट इंस्टीट्यूट होता है वह इंस्टीट्यूट होता है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, प्लेंटिव अपना प्लेंट को प्रेजेंट करता है, उसके आधार पे ही सूट इंस्टीट्यूट होता है, और जैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा उसके बाद ही समन इश्यू होगा, क्लियर समझ में आ गया पॉइंट। ये हो गया सब्सटैंटिव प्रोविजन, और एक इंपॉर्टेंट आप समझिए सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, या इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो समन इश्यू होता है ना वो होता है विटनेस को, क्लियर समझ में आ गया सेक्शन 31। अब आते हैं इसके प्रोसीड्यूरल प्रोविजन पे, दैट मीन्स अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 5 पे, ठीक है। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है और आपको मैं यही बताऊंगा कि कैसे आपको बहुत आसानी से आपको रूल्स भी याद हो जाएगा ऑर्डर 5 का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल 1 का, ऑर्डर 5 रूल 1। देखिए रूल 1 क्या कहता है कि जैसे सूट इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे थोड़ा डाउट होता है क्या कि अगर मान लीजिए क्योंकि सेक्शन 26 को हम लोग देख रहे हैं ना, तो सेक्शन 26 क्या बता रहा है कि जैसे प्रेजेंट प्लेंट प्रेजेंट हुआ प्लेंटिफ के द्वारा सूट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने सूट को प्रेजेंट किया उस कोर्ट में जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है सब्जेक्ट मैटर को लेकर, तो फिर क्या यह माना जाएगा कि प्लेंट की जिस डेट को प्लेंट प्रेजेंट हुआ है उस डेट को से ही सूट इंस्टीट्यूट हो गया? नहीं, यहां पे सूट जो इंस्टीट्यूट होना है वो सूट किस कोर्ट के द्वारा इंस्टीट्यूट होना है? कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट के द्वारा। दैट मीन्स कि प्लेंटिफ को यहां अपना प्लेंट किस कोर्ट में प्रेजेंट करना है? तो उस कोर्ट में जो जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि जब प्लेंटिफ अपना प्लेंट उस कोर्ट में प्रेजेंट करेगा जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन है उस सब्जेक्ट मैटर पे, जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो ही उस डेट से माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अदरवाइज अगर आप मानिए, सवाल यह है कि सूट अगर इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन में इंस्टीट्यूट हो गया, दैट मीन जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं सब्जेक्ट मैटर को लेके, ठीक है, चाहे वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का ही हम लोग बात करें, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो, चाहे वो मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो, ज्यूरिसडिक्शन अगर नहीं है उस कोर्ट का लेकिन फिर भी उस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो गया, तो दैट मीन्स कि प्लेंट प्रेजेंट हुआ है, तो यहां पे यह नहीं माना जाएगा कि जिस डेट को प्लेंट प्रेजेंट हुआ है उस डेट से ही सूट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, ठीक है।
तो प्लेंट का प्रेजेंट होना किस कोर्ट में आवश्यक है, उस कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट है, ठीक है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो ही उस डेट से माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। जैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा उसके बाद क्या इश्यू होगा, समन। ठीक है, रूल वन समझ में आ रहा है पॉइंट। अब मानिए जो समन इश्यू हुआ, तो समन इश्यू हुआ हम समझ गए कि आफ्टर द प्रेजेंटेशन, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, समन इश्यू हुआ। क्यों इश्यू हुआ? ताकि डिफेंडेंट अपना डिफेंस ले सके। दैट मीन्स कि डिफेंडेंट से प्लेंटिफ ने प्लेंट के द्वारा जो भी क्लेम किया है, ठीक है, जो भी रिलीफ मांगा है, उस रिलीफ के अगेंस्ट डिफेंडेंट अपना डिफेंस ले सके। दैट मीन्स अब यहां डिफेंडेंट अपना डिफेंस कैसे लेगा, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करके। तो यहां पे आपको यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि समन जब भी यहां पे डिफेंडेंट को इश्यू हो रहा है तो डिफेंस लेने के पर्पज से, और वो अपना डिफेंस कैसे लेगा, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट के लिए हमको कौन सा ऑर्डर देखना होता है, ऑर्डर ए। ठीक है, तो अब यहां डिफेंडेंट जो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा तो वो कितना टाइम पीरियड के भीतर, ठीक है, तो जिस डेट को समन का सर्विस हुआ है डिफेंडेंट को, उस डेट से 30 दिन के भीतर। क्लियर समझ में आ गया पॉइंट? अगर मान लीजिए डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के भीतर नहीं फाइल कर पाया, तो क्या यह 30 दिन एक्सटेंड करेगा? जी हां, बिल्कुल करेगा। तो यहां पे जो एक्सटेंड करेगा पीरियड, वो कितना पीरियड, टाइम पीरियड के लिए, तो 90 दिन। 90 दिन कब से? जिस डेट को समन सर्व्ड हुआ है उस डेट से 90 दिन के भीतर जो है डिफेंडेंट को तब फाइल करना होगा रिटर्न स्टेटमेंट। वो भी यहां पे जो 90 दिन का जो पीरियड एक्सटेंड होगा वो सब्जेक्ट टू दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस जो डिफेंडेंट के कंट्रोल में है ही नहीं, तो ये बताना होगा डिफेंडेंट को, साबित करना होगा, तो ही पीरियड एक्सटेंड होगा 90 दिन तक। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए समन इश्यू हुआ डिफेंडेंट को, अब डिफेंडेंट को समन इश्यू हो रहा है कि वो अपेयर हो सके, अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सके, तो यहां पे डिफेंडेंट अपेयर कैसे कैसे हो सकता है? तो इन पर्सन, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, स्वशरीर या फिर लीडर के माध्यम से। क्लियर समझ में आ गया पॉइंट? उसके बाद और आगे बढ़े, जो हम लोग सब्सटैंटिव प्रोविजन में समझे थे कि समन ड्यूली साइंड होना चाहिए, किसके द्वारा, तो जज के द्वारा या फिर जो ऑफिसर अपॉइंट करेगी कोर्ट उस ऑफिसर के द्वारा, और उसमें मोहर होना चाहिए कोर्ट का, जिस कोर्ट ने समन इश्यू किया है, और समन किस, कौन से कोर्ट इश्यू करती है, जिस कोर्ट में, दैट मीन्स अभी यहां जो लोग बात कर रहे हैं उस कोर्ट का, जिस कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट हुआ था, दैट मीन्स सूट जिस कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ था। क्लियर हो गया, ये रूल वन हो गया, क्लियर है। अब आते आगे बढ़ते हैं रूल टू में। रूल टू क्या कहता है कि समन में अटैच होना आवश्यक है प्लेंट का कॉपी, ठीक है। तो यहां पे प्लेंट, प्लेंट शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या प्लेंट को कहीं बताया गया प्लेंट क्या होता है? देखिए प्लेंट को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन ऑर्डर 6 रूल 1 देखते हैं तो प्लीडिंग के अंतर्गत प्लेंट, प्लीडिंग के अंतर्गत प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट आता है, और प्लेंट को लेके जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो है ऑर्डर 7, ठीक है। रूल 2 क्या कर रहा है कि जब भी समन इश्यू होगा तो उस समन के साथ, उस समन में अटैच होना है आवश्यक है प्लेंट का कॉपी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, रूल 3 आते हैं। रूल 3 कहता है कि यहां पे कोर्ट चाहे तो निर्देश दे सकती है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को कि उसको स्वशरीर उपस्थित होना है कोर्ट में। क्लियर समझ में आ गया पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं, रूल 4 में आते हैं। रूल 4 कहता है कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब पार्टी को आवश्यक नहीं है कि वह इन पर्सन, दैट मीन स्वशरीर उपस्थित हो कोर्ट में, क्लियर है। तो यह समझने के लिए आपको 3 ऐसे सर्कमस्टांसेस को समझना होगा जब पार्टी को कोर्ट में अपेयर होना इन पर्सन, दैट मीन स्वशरीर आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस है। पहला कि अगर वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत रह रहा है, दूसरा कि अगर वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं भी रह रहा है, वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रह रहा है लेकिन वह विद इन 50 miles के दायरे में होना चाहिए, तो 50 miles के दायरे में होना चाहिए, दैट मीन्स 1 mile बिलावर कितना किलोमीटर होता है, तो 1.40 to 60 किलोमीटर होता है, ठीक है, 1 mile बराबर।
तीसरा सर्कमस्टांसेस है कि अगर वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं भी रह रहा है, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रह रहा है, कितना बार रह रहा है, तो विद इन 200 miles, ठीक है, तो उस 200 miles का 1/5 हिस्सा पे, दैट मीन्स कि 200 mile का 1/5 डिस्टेंस हो गया अप्रोक्सीमेटली 17 to 20 kilometers के विद इन, ठीक है, क्या होना चाहिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स कि रेलवे स्टीमर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके थ्रू कोर्ट में वो उपस्थित हो सके डिफेंडेंट। तो ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस हैं जब डिफेंडेंट को सशरीर उपस्थित होना हो सकता है कोर्ट के आदेश पे। क्लियर समझ में आ गया? लेकिन अगर इन तीनों क्षेत्र के, इस तीनों एरिया के अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, ठीक है, तो फिर उस व्यक्ति को, वहां उस व्यक्ति का प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को कोर्ट निर्देश नहीं देगी कि वह सशरीर उपस्थित हो। क्लियर समझ में आ गया? रूल 4। अब हम लोग आते हैं रूल 5 पे। देखिए आप यहां पे सिर्फ सीरीज वाइज जोड़ते चलिए हिसाब से, हर रूल को अकॉर्डिंग टू सीरीज देखिए, स्टोरी की तरह समझिए, क्योंकि देखिए आप यहां अपने आप को जब कभी भी आपको रूल्स को याद करना है या किसी भी ऑर्डर का रूल्स को याद करना है, तो आप प्रोविजन को देख के मत याद पढ़िए, ठीक है। पढ़ना कैसे है कि आपको हर रूल्स को एक सिचुएशन मानना है कि हाँ इस सिचुएशन में यह बात किया गया और इस सिचुएशन में ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे मान एग्जांपल आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको, क्या कि रूल 5 में कह रहा है कि समन यहां इश्यू हो रहा है दो पर्पस के, या तो इश्यूज को सेटल करने के लिए या फिर फॉर फाइनल डिस्पोजल, ठीक है। दैट मीन्स कि रूल 5 में अब समन जो इश्यू हो रहा है रूल 5 के अकॉर्डिंग, ऑर्डर 5 का, तो यहां पे देखिए क्या पर्पस है रूल 5 का, ये समझिए। तो यहां समन जो इश्यू हो रहा है, सर्कमस्टांस अराइज कीजिए कि अगर मान लीजिए दो सिचुएशन है, या तो सूट को डिस्पोज ऑफ करना है या फिर सेटलमेंट करना है इश्यूज का, दैट मीन्स कि आखिर मुद्दा क्या है यह जानने के लिए, ठीक है, कोर्ट जो एसर्टेन करती है। तो यहां पे इश्यूज का सेटलमेंट होता है कि किन किन बात को लेके इश्यू है प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट को। तो यहां पे आपको यह समझना है कि जो रूल 5 है, तो रूल 5 के अकॉर्डिंग समन अगर इस परिस्थिति में इश्यू हुआ है तो फिर कोर्ट क्या क्या करेगी, ठीक है। तो रूल 5 क्या कहता है कि अगर समन इश्यू हुआ है तो समन इश्यू हो सकता है दो पर्पस के लिए। पहला, जैसा कि मैंने अभी बोला, क्या कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए, ठीक है। दूसरा कि फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट। तो देखिए यहां दो बात उठ रहा है ना, फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। तो देखिए अब यहां जो सेटलमेंट होता है इश्यूज का, दैट मीन्स कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो हो रहा है और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी कभी एट फर्स्ट हियरिंग भी जो सूट है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। एट फर्स्ट हियरिंग सूट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, सिर्फ आपको लिंक करना सोचना है और आपको प्रोविजन ऑटोमेटिकली आपको सीपीसी में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एट फर्स्ट हियरिंग भी सूट डिस्पोज ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो यहां ऐसे कौन से ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ऑर्डर 15 के अकॉर्डिंग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, 6 में आते हैं। 6 कहता है कि आखिर डिफेंडेंट को जो समन इश्यू हुआ है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, तो वह डेट एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि यहां तो कह रहा है 30 दिन के भीतर को उपस्थित होना है, तो 30 दिन के भीतर ऐसा कौन सा तारीख में, तो यह तय करती है कोर्ट। और कोर्ट जब इस तारीख को तय करती है तो किन किन बातों को ध्यान रखती है मद्देनजर। तो पहला कि कोर्ट अपने बिजनेस को देखती है कि क्या उनको कोई काम, क्या उसको और कोई कार्यभार है, ठीक है, उसको देखते हुए, या डिफेंडेंट को आखिर कितना मौका 30 दिन के भीतर ही किस डेट में उसको बुलाया जा सके, ताकि डिफेंडेंट भी अपना जो है सहूलियत हो सके डिफेंडेंट को भी कोर्ट में उपस्थित होने के लिए विद इन रीजनेबल टाइम, यहां 30 दिन के भीतर। तो कोर्ट इन सभी बातों को देख के तय करती है। तो यहां पे 6 के तहत फिक्स होता है डेट डिफेंडेंट के अपेयरेंस को लेके। क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं 7। 7 कहता है कि यहां पे समन इश्यू होता है डिफेंडेंट को इस बात के लिए कि डिफेंडेंट जो है अपने डिफेंस में जिन जिन डॉक्यूमेंट पे निर्भर है उन सभी डॉक्यूमेंट को कोर्ट कहती है कि आप उसको प्रोड्यूस करो, इस बात के लिए समन इश्यू होता है रूल 7 के अनुसार। क्लियर है, अब आते हैं 8। रूल 8 कहता है कि अब यहां पे अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है फॉर फाइनल डिस्पोजल, ठीक है, सूट जो इंस्टीट्यूट हुआ है किस बात के लिए, फॉर फाइनल डिस्पोजल, तो फिर ऐसे सिचुएशन में
डिफेंडेंट को समन इश्यू होता है इस बात के लिए ताकि उस वो जो है उसके बिहाफ पे जो जितना भी विटनेस है वह कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके, इस बात के लिए ही समन इश्यू होता है 8 के तहत। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कम से कम 10 तक हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं, रूल 10 तक। अब रूल 9 आता है। रूल 9 क्या कहता है कि सर्विस ऑफ समन। ठीक है, अब यहां पे रूल 9 के अकॉर्डिंग जो समन का सर्विस हो रहा है किसके द्वारा, तो कोर्ट के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है। इसको जब एलबोरेट करते हैं हम तो हमको यह समझ में आता है कि यहां पे जो सर्विस होगा समन का, ठीक है, दैट मींस किस कोर्ट के द्वारा होगा, तो उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। क्लियर समझ में आ गया। अब यहां पे कोर्ट जो समन इशू की, कौन सी कोर्ट इशू करेगी, आप समझ में आ गया आपको ये बात, तो किसको इशू करेगी, ठीक है, ताकि वह सर्विस दे सके समन का डिफेंडेंट को, तो यहां पे प्रॉपर ऑफिसर को। तो प्रॉपर ऑफिसर होगा कौन, ठीक है, पहला तो प्रॉपर ऑफिसर वह ऑफिसर होगा जो ऑफिसर किसी दूसरे कोर्ट का होना चाहिए, उस कोर्ट को छोड़ के जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, एक बात। दूसरा बात, जब हम लोग रूल 9 को देखते हैं तो हमको यह भी समझ में आता है कि समन का जो सर्विस है वो कैसे कैसे हो सकता है, किन किन माध्यम मीन्स से हो सकता है। तो पहला बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, मेल सर्विस के थ्रू, ठीक है, पोस्ट के थ्रू कुरियर सर्विस के थ्रू, तो ये सब मींस है सर्विस के लिए समन के संबंध में। क्लियर समझ में आ गया। अब यहां कहता है, अब हम लोग और आगे जाते हैं कि आखिर ये कुरियर सर्विस कौन होंगे, ठीक है, कुरियर एजेंसी जो होगा कौन होगा, किस कुरियर एजेंसी के द्वारा, बहुत सारे कुरियर एजेंसी हैं, ठीक है, तो यह सभी किस पोस्टल अथॉरिटी के द्वारा सर्विस होगा समन का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ में, किस मेल के थ्रू, ठीक है, फैक्स मैसेंजर के थ्रू भी हो सकता है, तो ये सब को तय कौन करता है, तो ये सब को जो तय करता है वो करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। दैट मींस कि उसी पोस्टल एजेंसी, उसी कुरियर सर्विस, ठीक है, उसी मेल सर्विस के थ्रू सर्विस होगा समन का, जिस जो अप्रूव्ड हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। क्लियर है, तो ये हो गया रूल 9 में समन के सर्विस को लेके, यहां सर्विस कोर्ट के द्वारा हो रहा है। क्लियर है, अब आगे थोड़ा हम लोग जाते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल 9 ये कहता है कि देखो सर्विस जो होगा समन का वो प्लेंटिफ के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, पर्सनली डिफेंडेंट को, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया, यही है रूल 9। अब आते हैं रूल 10। रूल 10 कहता है कि मोड ऑफ सर्विस, सर्विस का क्या मोड होगा, तो यहां पे जिस, मान लीजिए सर्विस, सर्विंग ऑफिसर को समन इश्यू हुआ, ठीक है, टेंडर हुआ कि आपको समन को सर्व करना है डिफेंडेंट को, तो यहां पे जो सर्विंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा समन का कॉपी, ठीक है, अब समन का कॉपी डिलीवर करेगा डिफेंडेंट को, इस तरीके से ही सर्विस होता है समन का, यही है रूल 10। अब रूल 9 में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको नोट करना है कि जो समन का सर्विस होता है ना डिफेंडेंट को, इसका जो खर्च होता है इसको देना होता है, किसको, कौन देता है खर्च, तो प्लेंटिफ को देना होता है। समझ में आ रहा है पॉइंट कि प्लेंटिफ को यहां पे खर्च देना होगा, ठीक है, समझ में आ गया, समन के सर्विस में जितना खर्च होगा, अगर नहीं दिया तो उसका सूट ही डिसमिस्ड हो जाएगा कोर्ट के द्वारा। समझ में आ गया पॉइंट। दोस्तों आज इस लेक्चर को यहां तक ही रहने देते हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए बाकी जो भी रूल्स बच गया है ना ऑर्डर 5 का, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सब्सटैंटिव प्रोविजन को देखा, ठीक है, समन से रिलेटेड सब्सटैंटिव प्रोविजन पे हम लोगों ने बात किया, ठीक है, साथ साथ सब्सटैंटिव प्रोविजन में 27, 26, 31 हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्यूरल प्रोविजन में आए तो ऑर्डर 5 के कुछ रूल्स 1-10 तक हम लोगों ने इसको कवर अप किया, जो बचा रूल्स है उसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे आज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि अगर मान लीजिए यहां डिफेंडेंट को सर्विस हुआ समन, ठीक है, उसको मिला, समझ में आ रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, सर्विस को अवॉइड कर रहा है, दैट मीन समन के सर्विस को अवॉइड कर रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है सवाल,
तो यहां पे डिफेंडेंट जो है समन के सर्विस को अवॉइड कर रहा है, तो क्या डिफेंडेंट कोई अपराध कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो किस प्रोविजन के अनुसार, दैट मींस क्या उसको इस बात के लिए क्रिमिनली लाइबल माना जाएगा, क्या उस पर कोई क्रिमिनल केस बनेगा? ठीक है, आपको यह बताना है। दैट मींस कि आपको थोड़ा हिंट और दे देते हैं कि क्या उसको इंडियन पैनल कोड के तहत सजा होगी, अगर होगी तो किस सेक्शन के अनुसार। क्लियर है? तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।